नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एनएम 10709 भर्ती संबंधित आपके लिए खास अपडेट लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में होगा और आपको सिलेक्शन के लिए एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में कितने नंबर चाहिए, चाहे वह जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वह ओबीसी कैटेगरी के हो, जिस भी अभ्यर्थी को जिस कैटेगरी में होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने नंबर अनिवार्य रूप से किए गए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में हो सके। तो दोस्तों आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो बस कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है, क्योंकि एग्जाम की तारीखों का ऐलान आयोग जल्द कर सकता है। इसकी सूचना आपको आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करके सूचित कर दी जाएगी, क्योंकि एनएम 10709 भर्ती की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी दिनों से डिले चल रही थी और इस भर्ती को बाद में एग्जाम के आधार पर पूरा किया जा रहा है। ऐसे में आयोग जो एग्जाम की प्रक्रिया है उसका निर्धारण कर लिया है, प्रश्न पत्र कैसे तैयार किए जाएंगे उसका भी निर्धारण कर लिया है, एग्जाम की डेट कब तक घोषित की जाएगी इसका भी निर्धारण कर लिया गया है और जल्द ही सूचना आपको प्रकाशित कर दी जाएगी। लेकिन बहुत से भर्ती ऐसे हैं वो लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में अभी भी संविदा वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की संपूर्ण उम्मीद बताई जा रही है। अगर संविदा वाले अभ्यर्थी आप हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संविदा वाले अभ्यर्थियों की, उसके बाद बात करेंगे फ्रेश वाले अभ्यर्थियों की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संविदा वाले अभ्यर्थी जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनको 40 नंबर 100 नंबर में से 40 नंबर एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में 40 नंबर उनका आ जाएगा तो 100% एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों 100 नंबर में से 40 नंबर कोई भी अभ्यर्थी नॉर्मल रूप से पा सकता है। अगर 40 नंबर संविदा वाले अभ्यर्थी पा जाएंगे तो उसके बाद 25 नंबर जो संविदा के अंक के प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेंगे और 15 नंबर उच्चतर डिग्री, यानी 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 40 नंबर 10709 भर्ती प्रक्रिया में जब एग्जाम होगा तो उसमें 40 नंबर आप पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं एनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में संविदा के कैंडिडेट अगर वो हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में केवल 40 नंबर पाना अनिवार्य है। 40 नंबर में उनका जो सिलेक्शन है वो 100% होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल 100 में से 30 नंबर पाना अनिवार्य है। 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चन उनका सही होना चाहिए। अगर 30 नंबर उनका आ जाएगा तभी उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को लगभग 35 नंबर पाना भी अनिवार्य किया गया है। 35 नंबर में जो निर्धारित किया गया है उसमें संविदा के अंक भी और उच्चतर डिग्री होना अनिवार्य है, तभी 100 में से 35 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सबसे कम जो मेरिट जाएगी वो एससी कैटेगरी की है। एससी वाले अभ्यर्थियों केवल 100 में से 25 नंबर पाना अनिवार्य है। साथ ही साथ संविदा का 5 वर्ष का अंक प्रमाण पत्र भी हो एवं उच्चतर डिग्री भी हो
तभी 25 नंबर अगर वो पाएंगे तो उनका सिलेक्शन इस भर्ती में 100% हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी को केवल 20 नंबर लाना अनिवार्य है। 20 नंबर अगर वो 100 नंबर में से 20 नंबर पाएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ उच्चतर डिग्री एवं संविदा का अंक भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, हमने आपको 100 नंबर के आधार पर बताया कि 100 नंबर में केवल जनरल कैटेगरी वाले 40 नंबर, ओबीसी कैटेगरी वाले 35 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 30 नंबर, उसके बाद एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों को 20 से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये उन्हीं अभ्यर्थियों को इतने नंबर लाना अनिवार्य है जिनके पास संविदा की 5 वर्षों का अंक अनुभव का अंक प्रमाण पत्र है। 5 वर्षों का अगर अनुभव का अंक प्रमाण पत्र है और साथ ही साथ उच्चतर डिग्री है तो उनको इतने नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जिनके पास उच्चतर डिग्री नहीं है वो क्या करेंगे। जिनके पास उच्चतर डिग्री नहीं है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको कम से कम 50 नंबर लाना अनिवार्य है। ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 45 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो इनको लगभग 40 नंबर, एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों को लगभग 30 से 35 नंबर लाना अनिवार्य है। जिनके पास उच्चतर डिग्री नहीं है उनको इतने नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी उनका सिलेक्शन एएनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में हो पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्रेश वाले अभ्यर्थियों को जिनके पास ना ही संविदा का अंक प्रमाण पत्र है और ना ही कोई उच्चतर डिग्री है तो उनको कितने नंबर लाना अनिवार्य है। दोस्तों, जिनके पास ना तो संविदा के 5 वर्षों का अंक प्रमाण पत्र है और ना ही उच्चतर डिग्री है तो उनको कम से कम 100 नंबर में से लगभग 65 नंबर लाना अनिवार्य है। 65 से 70 के मध्य अगर वो नंबर लाएंगे तभी फ्रेश वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन एएनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में हो पाएगा। दोस्तों, ये फ्रेश वाले वो अभ्यर्थी हैं जिनके पास ना ही संविदा का अंक प्रमाण पत्र है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई उच्चतर डिग्री है, तो उनको जो 40 नंबर है वो तो मिलेगा नहीं, केवल एग्जाम के नंबर के ही आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो आपकी काउंसलिंग के आधार पर मेरिट बनेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। जब मेरिट बनेगी तो आपके एग्जाम के अंक को भी जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ संविदा के अंक को भी जोड़ा जाएगा और उच्चतर डिग्री के भी अंक को जोड़ा जाएगा। इन्हीं सभी अंकों को जोड़कर एक मेरिट की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। उसी मेरिट की प्रक्रिया के आधार पर जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो सिलेक्शन होने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन अगर आप एएनएम 10709 भर्ती प्रक्रिया में 40 नंबर पाएंगे तो 40 नंबर वाले अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है वो होने की संपूर्ण उम्मीद बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एएनएम 10709 भर्ती संबंधित।